हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपी टेट 2021-22 विवादित प्रश्नों का मामला कहां तक पहुंचा। दोस्तों, एक खबर निकल के आ रही है कि आज जो है प्रयागराज में यूपी टेट विवादित प्रश्नों के मामले में निर्णायक सुनवाई हो सकती है, यानी कि आज की सुनवाई में निर्णय देखने को मिल सकता है। आज की सुनवाई की जो बहस है उस बहस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से यूपी टेट विवादित प्रश्नों का मामला आगे बढ़ता है। गौर फरमाते हुए ये बताना चाहता हूँ कि यूपी टेट 2017 में जिन प्रश्नों पर विवाद हुआ था, जिन प्रश्नों पर माननीय प्रयागराज हाई कोर्ट से कॉमन नंबर प्रदान किए गए थे, उन्हीं प्रश्नों को पुनः जो है यूपी टेट 2021-22 में रखा गया और फिर से वही गलती आयोग के द्वारा की गई। अभ्यर्थियों को उन प्रश्नों पर कोई नंबर प्रदान नहीं किया गया, एज इट इज़ जो पहले आंसर्स माने गए थे वही आंसर माने गए हैं। और इन्हीं प्रश्नों को लेकर एक दो प्रश्न और हैं, और इन्हीं प्रश्नों को लेकर प्रयागराज हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में अभ्यर्थी पहुंचे थे यूपी टेट 2021-22 को लेकर। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डेली डोज बॉक्स। चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की अपडेट। 2021-22 यूपी टेट विवादित प्रश्नों का मामला जो है लगातार कोर्ट में सुना जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन हियरिंग हो रही है, इसीलिए छुट्टियों का भी कोई असर नहीं है यूपी टेट विवादित प्रश्नों के मामले पर, जहां पर हाई कोर्ट ने आज की डेट लगाई हुई थी, यानी कि आज 27 मई है और आज के दिन जो है प्रयागराज हाई कोर्ट में यूपी टेट विवादित प्रश्नों का मामला सुना जाएगा। टीम आकाश की याचिका 7253/2022, दोनों याचिकाओं की सुनवाई एक साथ होगी। दोनों केस जो है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, दोनों याचिकाओं की सुनवाई आज होने को है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी टेट विवादित प्रश्नों में जो प्रश्न शामिल हैं उन प्रश्नों पर कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा था और अभी तक जो है कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इस वजह से आज जो है सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आज की सुनवाई में क्या निकल के आता है। आयोग के जो अधिकारी हैं वो कोर्ट में आकर जवाब दाखिल करेंगे या फिर मामला ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आज जवाब दाखिल हो जाता है तो आज की जो सुनवाई है वो कहीं ना कहीं निर्णायक साबित हो सकती है। दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं यूपी टेट 2021-22 के मामले से, उन अभ्यर्थियों को ये उम्मीद है कि नंबर ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि 2017 में जो विवादित प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों पर पुनः जो है याचिकाएं पड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में ये चल रहा है कि शायद नंबर इस बार भी बढ़ जाएंगे। दोस्तों, नंबर तो बिल्कुल बढ़ेंगे, 2017 जो विवादित प्रश्न हैं टेट में सेम वही प्रश्न 2021-22 में भी पूछे गए, तो हो सकता है कि कोर्ट उस मैटर को संज्ञान में ले, या फिर जो हमारे पिटिशनर्स के अधिवक्ता हैं इन्होंने 2017 का ऑर्डर जो है रेफरेंस में ज़रूर लगाया होगा, और इसी वजह से मुझे लगता है कि यूपी टेट 2021 में ज़रूर नंबर कॉमन होंगे। तो आज की सुनवाई जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 27 मई यूपी टेट विवादित प्रश्नों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। आज के दिन में क्या क्या निकल के आएगा, ये सारी अपडेट आपको अगले वीडियो के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। जैसे ही सुनवाई होती है, सुनवाई होने के बाद जैसे ही कोई अपडेट प्राप्त होता है, डेली डोज बॉक्स पर आप सभी के लिए वो अपडेट लेकर पुनः हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और आज करिएगा फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि आज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है यूपी टेट विवादित प्रश्नों पर जो अभ्यर्थी कोर्ट में हैं उनके लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई अपडेट एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।